पहुंची हैं आज, और जैसे ये भी कहे कि पिछली सरकारों ने क्या किया तरीके से नहीं बता पाई मैडम, जो दर्द है वो बता नहीं पाई ठीक से। 18 दिन दो बार हड़ताल करी थी शीला दीक्षित के टाइम पे, भूल नहीं सकते हमें। एक बार 22 दिन और एक बार मेरे ख्याल में मेरे नॉलेज में उतनी है, लेकिन शीला दीक्षित ने क्या कहा था वो भी ध्यान रखियो। दोबारा नहीं आ जाए, दोबारा नहीं आनी जाए। क्या कहा था दिमाग में रखना वोट डालते वक्त, और वहां पर बीजेपी के दो नेता आए थे ये भी याद होगा, हर्षवर्धन और विजय गोयल। 28 या जितने बने थे अभी जो 49 दिन की सरकार बनी थी उसमें वे भी थे। और मोदी जी ने जैपनीज पार्क में कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करेंगे, हम आएंगे तो, लेकिन एक बार भी नाम नहीं लिया। और 2019 में इलेक्शन है साथियों, सातों की सातों सीटों पर 3 दिन से कुछ नहीं होगा, कम से कम 15 दिन छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, एक काम करना पड़ेगा। जैसे ही डिस्पेंसरी में जाएंगे तभी आवाज में, हम खुल के समर्थन नहीं कर सकते वहां पे, लेकिन वहां चुपचाप उनके दिमाग में यह डालना है कि हमारे को खुशी किससे मिली है, इस तरह काम करना है हमने। दूसरा, अपने घर में कोई रिश्तेदार आवे, कोई जानकारी में है, बस में खड़े हैं, वहां बात चल जाए, अपना दर्द बताओ। अभी हमारे साथ ऐसा करा, अरुण ने ऐसा करा, अपने आप को आप बन जाए। उसके बाद 2020 में इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी को जिताना उसमें दिल्ली वाली में, और 2019 का सबसे पहले ध्यान रखना है, इसको भूल मत जाइए, ये एमपी के इलेक्शन है, क्योंकि केजरीवाल जी जब तक मोदी वाली सीट पर नहीं बैठेंगे ये पकड़ बल्ले हटेंगे नहीं आने से। और मां महिम कहना पड़ा है, मां महिम भी कहना जरूरी है, पक्ष चाहे कुछ कह दो। एलजी साहब ने हमारी फाइल को ठुकरा दिया, हमने ये भी पता है वो किसकी से है, ये रेंडे ठाणे ही के नारे थे, हरियाणा की तरफ भी कर रखी है पकड़ बल्ले ने। 12 पत्थर बाहर, जैसे दिल्ली में 67 सीट आई थी, अब की बार 70 के लिए कोशिश करेंगे, और 15 छुट्टी अपनी बचा के रखना इलेक्शन के लिए, और किसी की नहीं बचे तो सैलरी कटवा लियो अपनी 2-4 दिन की। साथियों ये हमारी बात नहीं है, हमारे बच्चे भी बड़े होने लग रहे हैं, अगर ये कांग्रेस और बीजेपी इसमें आ गई तो ये दोबारा से वो पॉलिसी लागू कर देंगी। हम दिल्ली में सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि बिजली आती है और पानी माफ है, नहीं तो दिल्ली छोड़ के जाना पड़े हमें। केजरीवाल की वजह से ये थोड़ी सी महंगाई पर असर है, न तो मोदी के दाग का ईट ना पाछे पट्टा हूं न तैसी की तैसी। जीएसटी पीएसटी सब जानो होके कर रखा है, हम तो न्यू सोचे थे आज यह जीएसटी सिर्फ व्यापारियों के लिए होगा, लेकिन मारिए तो आज बहुत व्यापारी को 10 रुपए बढ़ा दिया था, 10 मारे से बढ़ा लिए, तो कहने का ये मतलब है ध्यान रखिए। दूसरी बात एक और, सत्येंद्र जैन जी का आसान शर्माते पे है, सरस्वती बिहार विधानसभा उनकी, पहले भी शालिनी श्रीवास्तव जी, शालिनी श्रीवास्तव उनकी कैंपेन मैनेजर आया करती, फिर शायद आपके भी वही होगी,
संतोष जी है उनके साथ, हमने पहले भी उनके लिए कंपनी करी है और आज का भी कम से कम 50 भाई बहन वहां पर हमेशा एक महीना पहले कंपनी शुरू होगी डोर टू डोर पद यात्रा। 50 दुनिया में रहना है, मैं भी वही रहूंगा। मेरी रोड विधानसभा पड़ती है लेकिन मैं सत्येंद्र जैन जी के वही पर रहूंगा। संतोष भाई हमारे वही पे, हमें उनके साथ रहना वही पे और 50 एक महीने तक कंपनी चलेगी, एक महीने तक हम साथ ही रहेंगे। सत्येंद्र जैन जी का स्थान ढूंढना नहीं हमने। सत्येंद्र जैन जिंदाबाद, सत्येंद्र जैन जिंदाबाद। और एक बात बताऊंगा भाई, सुरेंद्र जी को भी ध्यान रखियो, सारा में भंडारा ग्रह है, हम वादा करते हम आएंगे वहां पर। और G3X की केजरीवाल फिल्म आने लग रही है, अब केजरीवाल फिल्म आने लग रही है, रोनी के अंदर G3X हमने पूरी स्क्रीन बुक करवा दी है, कली बुक करवा दी हमने। मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर के साथ पास जाऊंगा और भाई सुरेंद्र कमांडो जी और रत्नेश जी के पास हम इन्विटेशन देने जाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और हमारे प्रोग्राम की वासोपा बधाई। मैं खुद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह सब पता है। नौकरी की कोई चिंता नहीं, जब एक आदमी IAS की नौकरी छोड़ के और हमारे लिए लड़ सकता है तो हमारी तो छोटी सी नौकरी है। एक राजेश भाई हमारा, इसके लिए ताली बजाए। मन में उफान है पूरा। सत्येंद्र जैन जी जिंदाबाद। सत्येंद्र जैन के लिए कंपनी करेंगे, एक महीना पहले ध्यान रखना।